हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है भरगैन का शेफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी, इसको खास भी बोल सकते हैं। गर्मी का मौसम आ चुका है तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ कच्चे आम की चटनी और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चटनी बनाने के लिए लिए है मैंने 100 ग्राम हरे धनिए, 100 ग्राम पुदीना, 50 ग्राम हरी मिर्च, 2 साबुत लाल मिर्च और ये 2 तरीके के आम लिए हैं मैंने। एक तोतापुरी, गुजरात में बहुत ही ज़्यादा मिलती है ये, और ये देसी आम। तोतापुरी हल्का सा मीठा भी होता है तो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है चटनी। ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे पानी में, आपने भी सारी चीज़ें पानी में डाल देनी है ताकि जो इसमें मिट्टी है वो निकल जाए। और आपने हरी मिर्च ऐसे तोड़ के डाल देना है, आप मोटा मोटा तोड़ लें। और ये सब चीज़ आपने अच्छे से धो लेनी है। धोने के बाद आपने एक बास्केट में डाल देना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी हो वो नचुर जाए। अमिया काट लेंगे, इसको गुजरात में केरी भी बोलते हैं, कच्ची केरी। आपने इसको छीलना नहीं है, डायरेक्ट ऐसे मिक्सी में काट दें। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके आपने डाल देना है ताकि आप बड़े टुकड़े ना काटें, नहीं तो आपकी मिक्सी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके से आपने छोटे टुकड़े काटने। दूसरा आम भी डाल देंगे, देसी आम है ये, और ये भी आपने इसी तरीके से छोटा काटना है और छीलना नहीं है। अगर आपने कच्चे आम की चटनी का मज़ा लेना है तो आम को आपने छीलना बिल्कुल नहीं है। आम डालने के बाद आपने इसमें 2 साबुत लाल मिर्च ज़रूर डालनी है, ये बहुत ही खास है, ये मतलब आपको मज़ा आएगा जब भी आप आम की चटनी बनाएं उसमें आप साबुत लाल मिर्च ज़रूर डालें। अब जो हमने धो के रखा था पुदीना धनिया वो भी डाल देंगे, ये देखिए, और इसको थोड़ा पानी डाल के पीसेंगे। आप भी थोड़ा पानी डालें, मैं भी डालने वाला हूँ, ज़्यादा पानी ना डालें नहीं तो चटनी पानी पानी हो जाएगी। अब हम इसको पीस लेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पीसना है। हमने इसमें कच्चे आम डाले तो आप एकदम मिक्सी फास्ट चालू करके ना भूल जाएं, आपने थोड़ा चालू करना है थोड़ा बंद करना है, उससे मशीन में ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और चटनी अच्छे से पिसेगी। ये देखिए, जब इस कंडीशन में चटनी हो जाएगी तब आपने इसमें डालना है 1 चम्मच नमक और इसको पीस लेना है आपने। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन चटनी पिस चुकी है और थिकनेस देखिए इसकी। अब मैं आपको इसको एक बॉल में निकाल के दिखाता हूँ और नमक आप अपने हिसाब से डाल लें, कम या ज़्यादा। इस तरीके से आप एक बॉल में निकाल लें, ये देखिए कितनी बेहतरीन चटनी हुई है। आप एक बार ऐसी चटनी बनाएंगे और जब खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इसकी थिकनेस देखिए, चटनी ऐसी होना चाहिए गाढ़ी गाढ़ी, तभी खाने में मज़ा आता है। आज मैं आपके लिए लेके आया है कच्चे आम की चटनी और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया कि कैसे बनाएं। मैं ऐसे ही आपके लिए एक से एक वीडियो लाऊंगा, बस आपने मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए